वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन बताने से पहले इनके कुछ पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मान लीजिए समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी या खंभे को क्रमशः T1 तथा T2 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, और वो अपने अलग अलग स्पीड से भी चल रही हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो और जब वे विपरीत दिशाओं में चल रही हों, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय T=2T1T2/T1+T2, ये फार्मूला होता है। जब वे विपरीत दिशा में गति कर रही हूँ T=2T1T2/T1+T2, जब वे विपरीत दिशा में गति कर रही हूँ, और इसमें चाल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें चाल गिवन भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फार्मूला यही लगेगा। T=T1T2/T1+T2, और जब एक निश्चित लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ समान दिशाओं में चल रही हैं तथा वो पटरी के बगल में खड़े एक आदमी या खंबा को क्रमशः T1 तथा T2 समय में पार कर जाती हैं, तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तब इस कंडीशन में फार्मूला ये लगता है, पहला फार्मूला ये होगा, दूसरा फार्मूला ये होगा T=2T1T2/T1 एंड T2 में अंतर, इसमें से जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे। ये तब होगा जब वे समान दिशा में गति कर रही हो। इस टाइप के सवाल में इसमें स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ना है फार्मूले में, अगर फार्मूले में स्पीड का कोई वैल्यू नहीं रखनी है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड अगर क्वेश्चन में दिया भी होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो आगे क्वेश्चन लगाते हैं, तो बस ये दो फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को लगाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तथा वे पटरी में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 T1 जो दिया है 5 सेकंड और T2 दिया है वो 7 सेकंड पार कर जाती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये फॉर्मूला लगाना है। और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, पहले क्वेश्चन में विपरीत दिशाओं में मूव कर रही हैं, तो इनका जो मोशन है वो अपोजिट का है, अपोजिट मोशन हो रहा है। तो जब अपोजिट में मोशन करते हैं तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय जो होता है T=2×2×T1T2/T1+T2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 5×7 और 5+7, तो 2×5×7 और 7+5=12, और ये 2×1=2, 2×6=12, 5×7=35/6 ये आया। तो 6×5=30
पांच सही 5/6 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो पहले का आंसर जो आया 5/6 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को का क्रॉस कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे पटरी के बगल में खड़े एक खंबे को, बिजली का खंबा है, खंबे को अलग अलग 10 सेकेंड में तथा 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। तो इसमें क्या है, T1 जो दिया है वो 10 सेकेंड है और T2 जो दिया है 15 सेकेंड है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। और इसमें जो मोशन हो रहा है वो एक ही दिशा में मोशन कर रही है, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ट्रेन, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, जबकि वो पटरी में के बगल में खड़े हुए खंबे को क्रॉस करने में 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लग रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी। तब ये फॉर्मूला होता है T=2 × T1 T2 / T1 and T2 में अंतर। तो 2 T1 10 और T2 15, इसमें से जो बड़ा होता है उससे घटा देते हैं, तो 15 में 10 घटेगा, 15 - 10, 10 × 15 = 5, 15 में से 10 गया 5, 5 × 5 = 15, तो ये हो गया 10 × 30 = 60, 60 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, 60 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, या एक मिनट भी बोल सकते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड बोलो या एक मिनट भी बोलो, 1 मिनट में क्रॉस कर लेगी। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगा के T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा बड़ी आसानी से। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा एक ट्रेन जो है 10 सेकेंड में एक आदमी को क्रॉस कर रही है और 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो कंडीशन है, कोई ट्रेन है T समय में एक आदमी को क्रॉस कर रही है, T1 समय में एक आदमी को क्रॉस कर रही है, और T2 समय में या किसी एक लंबे ब्रिज को या किसी प्लेटफार्म को या सुरंग को क्रॉस करने में, सुरंग को T2 समय में क्रॉस करती है, तो उस ट्रेन की जो लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है, तो ट्रेन की लंबाई का जो फार्मूला होता है P T1 / T2 - T1, ये फार्मूला होता है। T1 जो होता है एक आदमी को या किसी भी आदमी को या खंबे को या पेड़ को क्रॉस करती है T1 समय में, और उसके अगले T2 समय में वो प्लेटफार्म को या किसी ब्रिज को या किसी सुरंग को क्रॉस करती है। तो इस तरीके से ट्रेन की लंबाई पूछेगा, तो ट्रेन की लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है P T1 / T2 - T1 का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो
तो बस इसी यही फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इन दो क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। तो क्या है इसमें, पहला टी वन कितना है 10 सेकेंड और दूसरा टी टू कितना है 14 सेकेंड है। और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 200 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। जब ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला पूछता है, ट्रेन की लंबाई निकालना है तो फॉर्मूला जो होता है पी टी वन अपान टी वन टी टू में अंतर। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई वो 200 मीटर है और टी वन जो है 10 सेकेंड है, और टी वन और टी टू में जो बड़ा होता है उसको घटा देते हैं, 14 माइनस 10 40 माइनस 10 तो 200 × 10 और 40 में 10 गया 4 बचा, तो 4 × 5 = 20 और साथ में 0। तो ये मल्टीप्लाई 10 का 50 में करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो 500 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई आई 500 मीटर आई। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगा के इस इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी है 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को, पहले इससे पहले क्वेश्चन में एक आदमी को क्रॉस कर रहा था, अब इस क्वेश्चन में जो है 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है तथा 200 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। टाइमिंग टी वन टी टू है, अगर टी वन टी टू में अलग 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 कंडीशन में, पहले टी वन में विद्युत खंभे को क्रॉस कर रही है, दूसरे टी टू मतलब दूसरा जो समय है तो उसको सुरंग को पार कर रही है। इस तरीके से हमें ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ट्रेन की लंबाई पहला क्या है, टी वन जो है 18 सेकेंड है, टी टू जो है दूसरा टी टू 25 सेकेंड है, और प्लेट सुरंग की जो लंबाई है 280 मीटर है, टनल जो टनल की लेंथ है 280 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू पी टी वन अपान टी वन एंड टी टू में अंतर, तो ये फॉर्मूला है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 280, टी वन है 18 और टी वन और टी टू में जो बड़ा होता है उसको उससे घटा देते हैं, इसका साइन ये मतलब दिखाता है। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे, 280 × 18 25 में 18 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 × 7 7 × 28 40, तो ये हो गया 18 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 18 × 36 = 72, तो 72 आया, 7 में एक 0 है, 720 मीटर ट्रेन की जो लंबाई आई 720 मीटर आई, 720 मीटर आई। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इन्हीं फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से और भी कम समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।